नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी 2020 पर। तो आज के इस वीडियो में जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ, जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, 16 महाजन पदों का उल्लेख किसमें मिलता है? आपका ऑप्शन है ए अंगुत्तर निकाय में, बी छादोग्य उपनिषद में, सी संयुक्त निकाय में, डी महाभारत में। दोस्तों, अगर आप किसी क्वेश्चन का जवाब जानते हैं पहले से, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों का वर्णन है। यह एक बौद्ध ग्रंथ है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं, आपको बताना, यह एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुतपिटक में 5 निकायों या संग्रहों में से एक चौथा है। ये कौन सा है? तो चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्बिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? बिम्बिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी? ए नालंदा, बी पाटलिपुत्र, सी राजगृह, डी तक्षशिला। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजगृह। तो 3 नंबर सवाल है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका सही जवाब क्या होगा तो कमेंट कीजिए। इसका ऑप्शन है ए गिरिवर्ज राजगिरी, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी चंपा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गिरिवर्ज राजगिरी, जो कि मगध की प्रथम राजधानी थी। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, द्वारा प्रथम किस शासक सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो किस शासक के द्वारा? ए ऑप्शन अजात शत्रु द्वारा, बी कालाशोक द्वारा, सी उदयन द्वारा, डी कनिष्क द्वारा। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उदयन द्वारा, जो कि पाटलिपुत्र की राजधानी के द्वारा चुना गया है, चयन किया गया है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? आपका ऑप्शन है पहली सदी ईस्वी में, ईस्वी पूर्व, बी है दूसरी सदी ईसा पूर्व, तीसरी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी छठी सदी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? आपका ऑप्शन है गंधार, काशी, मगध, कम्बोज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मगध, जो छठी सदी में भारत का शक्तिशाली नगर राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, पटना शहर का पुराना नाम क्या था? पटना शहर का पुराना नाम तो सबको पता होगा, तो इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर नहीं पता ए इसका ऑप्शन है बी पाटलिपुत्र, सी कपिलवस्तु, डी कौशाम्बी। जवाब हो जाएगा इसका सही ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, जो कि पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। क्वेश्चन है 8 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? कौशल, गंधार, अस्मक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अवनति, जो कि जनपद की राजधानी प्राचीन काल में अवनति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजन पदों में कौन सा एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था?
इसका सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन है अवनति, अवशमक, मत्स्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अशमक। अशमक हुआ जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। आपका ऑप्शन है कौशल, अवनति, चंपा, मगध। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मगध, जो युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल या उस राज्य का नाम मगध था। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। आपका ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप में राष्ट्रपति द्वारा, एक काम चलाऊ सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा। आपका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राज्य के राज्यपाल द्वारा, जो राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है किस राज्य के द्वारा, तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? आपका ऑप्शन है 10, 12, 15, 20। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी, 12, जो कि 12 सदस्य द्वारा मनोनीत किया गया था राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब पहले से पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, संसद बनती है कैसे बनती है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपरोक्त तीनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों से बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, तीनों मिलकर संसद बनती है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? आपका ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार के, जो कि आपातकालों का प्रावधान है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? ये तो सबको पता होगा। तो ऑप्शन है 5:3, 3:2 और 3:4 और 2:3। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3:2, जो कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? आपका ऑप्शन है समुद्री नीला, गहरा नीला, काला और हरा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? आपका ऑप्शन है 16, 20, 24, 32। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 24, जो कि अशोक चक्र में तीलियों की संख्या 24 होती है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है,
स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, पिंगली वेकैया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पिंगली वेकैया, जो कि राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन तैयार की थी। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान नेशन एंथम है तो क्या है? आपका ऑप्शन है वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जन गण मन और हिंद देश का प्यारा झंडा। इसमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जन गण मन, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, अरविंद कुमार। इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर, जो राष्ट्रीय गान के रचयिता है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रगान में पहली बार कहाँ गाया गया था? तो पहली बार कहाँ गया था? आपका ऑप्शन है ए, 1911 कोलकाता में, बी, 1931 कोलकाता में, सी, 1950 दिल्ली में, डी, 1896 कोलकाता में। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1911 कोलकाता में। कब? 27 दिसंबर को 1911 कोलकाता में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 नंबर, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगाता है? तो कितना लगता है? आपका ऑप्शन है 50 सेकेंड, बी, 52 सेकेंड, सी, 62 सेकेंड, डी, 65 सेकेंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, सॉरी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 52 सेकेंड। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए, जन गण मन अधिनायक जय है, बी, वंदे मातरम, सी, हिंद देश का प्यारा झंडा, डी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान पूछे तो जनगणमन, राष्ट्रीय गीत पूछे तो वंदे मातरम। दोस्तों, ये क्वेश्चन का आपको ध्यान से पढ़कर उसके बाद जवाब देना है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गया था? आपका ऑप्शन है 1886 कलकत्ता, बी, 1896 कलकत्ता, सी, 1929 लाहौर, डी, 1931 कराची। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1886 कलकत्ता। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा 25 क्वेश्चन में से आपका कितना सही है। थैंक्स फॉर वाचिंग अस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।